टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल जानकारी के साथ जुड़ें, यह लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। टेक्निकल जानकारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर एक वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आप जो है जानते होंगे कि वीडियो शूट करने के बाद थोड़ी उसमें एडिटिंग करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों बता दें, एडिटिंग करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हुआ करते हैं, जो कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर में तो आपको पैसे देने पेमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि मैं कौन सा एप्लीकेशन यूज करता हूँ, कौन कौन सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, और मोबाइल से एडिट करता हूँ कि लैपटॉप से एडिट करता हूँ। तो आज की वीडियो में आपसे यही बात करने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के आखिर तक, और आपको बताता हूँ डिटेल से। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो के नीचे दिख रहे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वैसे आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लेना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन YouTube रिलेटेड जानकारी ही अपलोड की जाती है, और हमेशा मोटिवेशन किया जाता है इस चैनल से, और टिप्स एंड ट्रिक आपको इस YouTube पर दी जाती है, और बहुत सारे जनसुविधा केंद्र से जो हो सकता है वो भी आपको इसमें बताया जाता है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बगल में बने घंटी के ऑप्शन पर भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आपको चलेंगे लेकर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहाँ पर हम दिखाएंगे कि कैसे हम मोबाइल को प्रयोग करते हैं, मोबाइल से एडिट करते हैं। लेकिन दोस्तों उसके पहले हम आपको बता दें कि मैं कैसे क्या करता हूँ। दोस्तों मैं अगर लैपटॉप से एडिट करता हूँ तो फिल्मोरा एप्लीकेशन का फिल्मोरा सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता हूँ, और मान लीजिए मैं लैपटॉप से अलावा मोबाइल से एडिट करता हूँ तो मोबाइल से भी एडिट कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। और एडिट करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं होता है कि ये लैपटॉप से एडिट है, ये हमारा मोबाइल से एडिट है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए हम बता दें कि मैं मोबाइल से एडिट करता हूँ तो दो तीन एप्लीकेशन को प्रयोग करता हूँ। उसमें एक तो मेरा होता है, जैसे अगर मान लीजिए हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग का शूट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो उसके लिए मैं डी यू कॉलर का उपयोग करता हूँ। उसके बाद वीडियो अगर जैसे अब लाइव यूज कर रहा हूँ तो इसमें जो है थोड़ा एक एप्लीकेशन होता है जो कि क्रॉप के लिए होता है, थोड़ा क्रॉप भी करना पड़ता है तो क्रॉप भी कर देते हैं। उसके बाद जो है एक एप्लीकेशन होता है जो आपको फेमस है, आप लोग उसके बारे में भली भांति परिचित हैं, वो एप्लीकेशन है काइन मास्टर। दोस्तों मैं काइन मास्टर का भी प्रयोग करता हूँ, तो ज़्यादातर मैं काइन मास्टर से पूरा वीडियो एडिट करता हूँ, तो थोड़ा थोड़ा रहता है तो उसको वीडियो क्रॉप करता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो कॉलर का भी प्रयोग करता हूँ। तो आज का वीडियो में आपसे यही बात करने वाले हैं कि कैसे जो है पूरा वीडियो सफल होगा आपका वीडियो एडिट करने में। तो चलिए हम आपको मोबाइल की अपनी स्क्रीन में ले चलेंगे, और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम अपने वीडियो को एडिट करते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ चुका हूँ। अब हम आपको इस मोबाइल की स्क्रीन के माध्यम आपको दिखाएंगे कि मैं जो है अपने मोबाइल से वीडियो कैसे एडिटिंग करता हूँ, वीडियो की एडिटिंग मैं कैसे करता हूँ। तो मान लीजिए मैं जाता हूँ यहाँ पर अपने क्रोम का प्रयोग करता हूँ। यहाँ पर तीन एप्लीकेशन आपको दिख रहे हैं, एक ये क्रोम है, एक वीडियो कॉलर है, एक वीडियो क्रॉप है। मैं तीनों का प्रयोग करता हूँ, जिसमें तो वीडियो क्रॉप का तो बहुत कम प्रयोग करता हूँ, लेकिन इसका प्रयोग ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो मैंने एक इंट्रो बना के रखा है इसको मैंने यहाँ इसको लगा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जाना है, कुछ मैं बैकग्राउंड लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, जैसे मेरे पास एक बैकग्राउंड होगा, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो उस स्क्रीनशॉट में मेरा ये देख सकते हैं मेरा जो है ये, हम इसको जो है पूरा खींच कर देते हैं। जितना लंबा मेरा वीडियो है उतना लंबा हमें इसको कर देना है। यहाँ पर देखिए इसको खींच कर हम करते हैं जितना लंबा मेरा वीडियो है, ये देख सकते हैं दोस्तों मुझे जितना मेरा लंबा वीडियो उतना लंबा मैंने इसको खींच दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं अपना एक वीडियो है मेरा, उस वीडियो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा एक वीडियो, इस वीडियो को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसको हम खींच कर जितना है उतना कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया है, तो अब हम जो है इसको देखते हैं चला के थोड़ा कैसे है ये। ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो वीडियो मैंने शूट किया इसको मैंने यहाँ पर ला रख दिया। अब क्या करना है, इसमें जो है इसका बैकग्राउंड मुझे हटा देना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमा की है, इस पर क्लिक करके मुझे इस तरह का क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा इसमें वो आ रहा है, तो इसको हमें एकदम कर देना है ऐसा इसको ये ना मालूम हो। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, जो और जो भी वीडियो है उसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर मेरा एक वीडियो है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसको थोड़ा यहाँ पर लगाएंगे, लगाने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। जैसे बड़ा करेंगे तो यहाँ पर होंगे एक इसका लगाएंगे PNG, तो PNG के लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर मेरा PNG मिल गया, अब इसे हमें बराबर सेट कर लेना है, बराबर सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं ये सेट हो गया। सेट होने के बाद इसके इसको खींच कर बड़ा कर देना जितना लंबा ये है।
इतना लंबा ये वीडियो है उसके बराबर इसको खींच कर देना है। जैसे देख सकते हैं मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसी तरह आपको भी कर देना है। इसके बाद ये देख सकते हैं यहाँ तक है, इसको जहाँ तक है वहाँ तक कर देना है। ये देख सकते हैं मेरा हो गया इतना लंबा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देख जो बैकग्राउंड है बैकग्राउंड को भी खींच देना है उतना ही, नहीं तो जो है ये वीडियो उतना लंबा नहीं चलेगा। यहाँ पर इतना खींच देना है, इसके साइज़ का ही होना से ज़्यादा बड़ा क्या करेगा। तो ये हो गया, अब यहाँ पर जो है ये पूरा मेरा कंप्लीट हो गया वीडियो। लेकिन एक बात अभी और रह गया, इसमें जो है हम कुछ अपनी फ़ोटो लगाया करते हैं, जैसे यहाँ पर अपने चैनल का फ़ोटो लगा दिया करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से देखते हैं मेरे चैनल का एक फ़ोटो होगा, ये देखते हैं मेरे चैनल का लोगो है। तो ये इसको हम यहाँ पर ऐसे ले जाकर सेट कर देते हैं, उसके बाद हम इसे खींच कर बड़ा कर देते हैं, उतना लंबा करते हैं जितना लंबा मेरा वीडियो है। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा लंबा वीडियो ज़रूर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन आप भी पूरा देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, और हम आपको इसी ही वीडियो में बताएंगे मैं टेस्ट कैसे लगाता हूँ, जो मेरा चलने वाला सब्सक्राइब नाव होता है और मेरे जो है उसको कैसे मैं यहाँ पर अपने वीडियो पर अपलोड अपडेट करता हूँ। यहाँ पर इसको हम उतना लंबा खींच देना है, ये देख सकते हैं उतना लंबा हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा इंट्रो लगाता हूँ वीडियो के जो है शुरुआती में, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से मैं जो है इसको हम एक यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे जो मैं चलने वाला टेस्ट रजिस्टर चल रहा है उसको लगाएंगे। ये मेरा टेस्ट नहीं है, ये है, ये एक बार ये फोटो है, इसको हम यहाँ से सेट कर देते हैं। उसके बाद इसको उतना लंबा खींच देना है जितना लंबा आपको अपना वीडियो रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 मिनट 23 सेकंड जितना भी लंबा, ये जो है जितना लंबा रखेंगे उतना तेज़ चलेगा, इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसको हम यहाँ ला के इसको इधर गोपनीय कर देना है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है जैसे चलेगा यहाँ पर ये चलता हुआ आपको नज़र आएगा। अब क्या करना, थोड़ी दूर हम और जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर लिखते हैं सब्सक्राइब नाउ, सब्सक्राइब नाउ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का रंग चेंज कर देते हैं, लाल कर देते हैं। लाल करने के बाद पूरा करके इसको थोड़ा यहाँ पर सेट कर दिया जाता है। सेट करने के बाद इसे खींच कर करना है जितना जितने दूर तक आपको इसको चलाना है। यहाँ पर देखते हैं 1 मिनट 14 सेकंड हो गया, बस इतना बहुत है। उसके बाद यहाँ आ जाना, इस पर जो चाबी के आइकन का जैसा बना इस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह आ जाना इधर। उसके बाद आपको इस पर ये जो है सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर डिलीट हो गया है, बट कोई बात नहीं चलते हैं इस पर। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, चाबी के आइकन आइकन पर जाएंगे हम, यहाँ पर इसको यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, जैसे यहाँ पर जाएंगे फिर यहाँ पर इसको हमें खींच देना है, खींच के यहाँ पर उसी तरीके से गोपनीय कर देना है। गोपनीय करने के बाद अब मैं आता हूँ लास्ट तक, लास्ट में आने के यहाँ लिखता हूँ जो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ बैकग्राउंड पर, इसको क्लिक कर देता हूँ। बैकग्राउंड को थोड़ा गाढ़ा कर देना पड़ता है, तो हो गया। अब हम इसे खींच कर पूरा वीडियो के आखिर तक कर देते हैं। यहाँ पर मेरा वीडियो एंड है, यहाँ तक इसको हम कर देते हैं, इसको लगभग 1 मिनट के आसपास रखता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट हो गया, इसको हम यहाँ से इसको नीचे यहाँ खींच देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह हम एडिट करते हैं वीडियो को। अब ये मेरा एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है। अब देखते होंगे मेरे किसी भी वीडियो में जो काइन मास्टर का लोगो है, लोगो आपको नहीं देखने को मिलता होगा। काइन मास्टर का लोगो मेरे आपको मेरे वीडियो में कभी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस पर जो है अपने चैनल का जो है यह जो चलने पर मैं टेस्ट लगाता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं ना, टेक्निकल जानकारी सब्सक्राइब नाउ मेरा कीजिए, मेरे चैनल का लोगो, इसी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ वीडियो पर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आप इस टाइम लगाओगे फिर उसके ऊपर ऊपरी फ्रेम लग जाएगा, लेकिन दोस्तों मैं इसमें नहीं लगाता हूँ, इसका प्रयोग मैं किसी दूसरे एप्लीकेशन से लगा देता प्रयोग करता हूँ। उसके बाद जो है अब यहाँ पर मेरा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ बोल रहा है नो थैंक्स, नो थैंक्स फॉर विद वाटर मार्क, मतलब आपको वाटर मार्क के साथ कर देना। तो यहाँ पर मेरा एक्सपोर्टिंग होगा, थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए हम आपको जो है दिखाएंगे अगला प्रोसेस, जो मैं वीडियो जो मैं काइन मास्टर को कैसे ऐसे करता हूँ, तो उसको क्या करना है, अगले जो एप्लीकेशन मेरा है उस एप्लीकेशन में मैं क्या क्या एडिट करता हूँ। तो बस दोस्तों इसमें जो है इतना देखेंगे, हम आपको मिलेंगे जो अगला एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या करते हैं। तो चलिए हम आपको उसमें दिखाते हैं उस एप्लीकेशन, इसको अपलोड हो जाने देते हैं, इसको हम हो जाते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने जो है डी यू कलर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम जाते हैं इस पर, इस पर जाने पर वीडियो एडिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद जो मेरा वो क्रोम से वो काइन मास्टर से मेरा हो गया एडिट, हम उसको जो है यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे ये वाला मेरा वीडियो है, ये एडिट किया गया अभी, तो इसको जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं कुछ लगा देते हैं इंट्रो, जैसे यहाँ पर जाते हैं लास्ट में ये इंट्रो लगा देते हैं, कंफर्म कर देते हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड फोटो पर जाते हैं, ऐड फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर जाते हैं अपने जो फ़ोटो है उसको ऐड कर देते हैं। ये देखिए इस फोटो पर मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ऐसे
यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह हम उसको लगा देते हैं। उसके बाद इसको खींच कर पूरा कर देते हैं, जितना लंबा वीडियो होता है पूरे वीडियो तक कर दिया जाता है। तो इससे क्या होकर जब जब तक आपका वीडियो समाप्त नहीं होता तब तक जो है ये आपको लगा रहेगा, जितने पे छोड़ देंगे उतने पे आपका ये रुक जाएगा, बाकी आपको पूरा कर देना है। जब आप पूरा कर देंगे कि वीडियो के लास्ट तक आपका ऐसा बना हुआ ऐसा लिखा हुआ आपको दिखेगा, ये देख सकते हैं मैंने पूरा कर दिया। ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंट्रो भी आ गया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेव होगा इस तरह 100% हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप भी वीडियो एडिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर हो गई है लेकिन आप इस तरह अगर आप एडिट करेंगे तो कोई भी चाहे जितना बड़ा यूट्यूबर होगा वो नहीं बता पाएगा कि वीडियो किससे एडिट किया गया है। तो बस दोस्तों आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अगर आप नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे वीडियो को आखिर तक देखने के लिए दिल से थैंक यू, अपना कीमती समय देने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।